हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में SCC की संकुलन क्षमता देख लिया था और आज हम देखेंगे FCC की संकुलन क्षमता क्या होती है। तो FCC की संकुलन क्षमता क्या होती है, इससे जानने से पहले आपको जानना होगा FCC क्या है। तो FCC क्या है, इसके संबंध में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो लेकिन आज हम FCC से स्टार्ट करेंगे और इसकी फिर हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर FCC क्या होती है, तो FCC को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो FCC क्या है, वह एकक कोष्ठिका होती है जिसमें परमाणु प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होता है, और प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोनों पर उपस्थित हो, कहाँ पर उपस्थित, आपके कोनों पर उपस्थित हों और कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर हो, आपके कहाँ पर हो, फलक के केंद्र पर हो, तो हम उसे कहते हैं FCC। यदि हम बात करें परमाणुओं के योगदान का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके परमाणु कोनों पर उपस्थित हैं और आपके परमाणु कहाँ पर उपस्थित है, फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। तो यदि हम परमाणुओं का योगदान देखें तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान प्लस फलक पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान, तो कोने पर कितने परमाणु उपस्थित हैं, 8 परमाणु कोनों पर उपस्थित हैं और प्रत्येक परमाणु की जो सहभागिता होती है वो कितनी होती है, 1/8 होती है। तो ये हो गया आपका, और जो आपके फलक पर उपस्थित है कितने परमाणु हैं, आपके 6 परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब कहने का ये 3 परमाणु आगे, तो 1/3 मतलब कितने परमाणु आगे, 4 परमाणु। तो कहने का क्या मतलब निकला कि यदि आपकी FCC होगी तो जो परमाणु का योगदान निकलेगा कितना निकलेगा, 4 परमाणु निकलेगा। अब हम बात करते हैं इस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता होती है वह परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन अपान कुल आयतन का क्या होती है, रेशियो होती है। इसके संबंध में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी संकुलन क्षमता हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम FCC ले लिया तथा माना एकक कोष्ठिका, के भुजा की लंबाई बराबर कितना है, आपका a है। माना जो आपकी एक एकक कोष्ठिका है और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, a है, और परमाणुओं की जो त्रिज्या है वो r है। आप जानते हैं हम क्रिस्टल में जो परमाणु क्या मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। अब हम क्या मानेंगे, अगर गोलाकार मानेंगे तो उसका आयतन क्या निकलेगा, 4/3 πr³ निकलेगा। मतलब कहने का क्या निकला कि अगर हम इसकी बात करें संकुलन क्षमता की, तो जो संकुलन क्षमता निकलेगी वह होगी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन गुणे क्षमता है। तो हमने क्या लगा दिया, 100% लगा दिया। हमने मान लिया है यहाँ पर कि माना है कि कोष्ठिका की भुजा की लंबाई क्या है, a है। तो यदि हम इसका एक फलक की बात करें, तो ये हो गया आपके इस एकक कोष्ठिका का एक फलक। तो यदि आपकी FCC होगी तो इसके फलक के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होगा
और जो परमाणु उपस्थित होंगे कोनों पर उपस्थित होंगे। और परमाणु कहाँ उपस्थित होंगे? कोनों पर उपस्थित होंगे। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। यदि हम बात करें कि यहाँ पर भुजा और आपकी जो आर में रिलेशन है वह हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यदि हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें तो ये रही आपकी एक लाइन, तो ये क्या है, इसका रेडियस है, ये क्या है इसका रेडियस है, ये क्या है इसका रेडियस है, और ये क्या है इसका रेडियस है। तो ये जो निकल के आई पूरी लंबाई जो निकल के आई वो कितनी निकल के आ रही है, 4r निकल के आ रही है। और भुजा की लंबाई आपने क्या मान रखा है, a मान रखा है, ये आपकी क्या है a है। और आपने ये जो लंबाई पाए विकर्ण की लंबाई वो कितना है आपका 4r है। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें, अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें तो जो 4r का स्क्वायर होगा वह बराबर होगा a के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर के योगफल के। तो यदि हम करें 4r स्क्वायर इक्वल टू a के स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो कहने का मतलब जो आया आपका क्या आया, 2a स्क्वायर आया। तो यदि हम इसका 4r इक्वल टू देखें तो क्या होगा, कर्णी में अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा आपकी a हो जाएगी, या r इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 बटे 4 ये आपकी आ जाएगी। लेकिन हम प्रयास हमेशा करेंगे कि जो हम निकालें वह a के रिस्पेक्ट में निकालें। a के रिस्पेक्ट में यदि हम निकालना चाहें तो हमने यहाँ पर क्या किया, a इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 4 अपान अंडर 2 इंटू आर, या a इक्वल टू क्या निकला 4 अपान अंडर 2 इंटू अंडर 2 अपान अंडर 2। तो ऊपर क्या निकला आपका 4 अंडर 2 अपान 2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया आपका a इक्वल टू 2 अंडर 2 इंटू आर। तो ये आपका जो है a इक्वल टू 2 अंडर 2 आर, a और r में रिलेशन होता है, इसे आप स्टार पॉइंट बना लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में अक्सर इस पर सवाल आते हैं। जैसे कि आपने SSC के लिए पढ़ा था a बराबर 2r, उसी प्रकार से हम FCC के लिए क्या कर रहे हैं, आपका a बराबर 2 अंडर 2 इंटू आर आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी संकुलन क्षमता की। तो जो संकुलन क्षमता निकलेगी वह हम कैसे निकालेंगे, आओ उसके विषय में हम देखें। तो परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, अच्छा ये बताइए यहाँ पर आपके कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। अब 4 परमाणु हैं और एक परमाणु का जो आयतन होता है वह होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो ठीक है, तो परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बटे। अब देखिए कुल आयतन क्या है, ए आपने भुजा की लंबाई मान रखा है तो कुल आयतन क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो कुल आयतन क्या होगा आपका, ए क्यूब। यदि हम यहां पर ए की वैल्यू रखें तो आपकी क्या निकलेगी, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए की जो वैल्यू पाए हैं वो 2 √2 × r का क्या है, होल क्यूब है। और आपके क्या है, आपका क्षमता है, तो आप 100% लगाकर चलेंगे। ये बात हमेशा गौर कीजिए, 100% आप लगाकर चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपकी संकुलन क्षमता की। तो अब हम आगे यदि इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी, 4 × 16 पाई आर क्यूब बटे 3। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 √2r, यदि हम इसका क्यूब तोड़ें
टू अंडर टू आर का यदि आप क्यूब तोड़ेंगे, मतलब कहने क्या, टू अंडर टू इंटू आर इंटू टू अंडर टू इंटू आर टू अंडर टू इंटू आर, तो टू टू जा फोर टू जा एट, तो कितना आ गया, एट आ गया। अंडर टू का गुणा अंडर टू में तो टू आ गया, और फिर आपका अंडर टू में करेंगे तो टू अंडर टू आ गया, और इंटू आर का क्यूब तो एट टू जा सिक्सटीन अंडर टू इंटू आर का क्यूब, तो ये आया आपका। तो आइए इसे रखिए आप यहाँ पे, तो 16 और अंडर टू आर का क्यूब इंटू 100%, ये आपका यहाँ तक हो गया। यहाँ पर आप देखिए 16 यहाँ पर 16 यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया आपका, और आप देखिए आर क्यूब यहाँ पर आर क्यूब यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या आपका, पाई अपान थ्री अंडर रूट टू इंटू 100%। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो अब 3.14 रखिए इंटू 100 अपान 302%। तो इसे आप करेंगे तो कितना आएगा 3.14 इंटू 100 अपान 3 इंटू अंडर रूट टू का वन मान जो होता है 1.41 होता है आपका। और यदि हम इसे सॉल्व करेंगे, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी आएगी एफसीसी की संकुलन क्षमता 74%। तो आपने देखा कि जो एफसीसी की संकुलन क्षमता आई वह कितनी आई, 74% आई। कैसे आई, तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया है एफसीसी क्या है, परमाणु का योगदान क्या है, और इसके बाद माना है हमने भुजा की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा करके ए और आर में रिलेशन निकाला है, और ए और आर में रिलेशन निकालने के बाद हमने संकुलन क्षमता यहाँ पर निकाली है। तो इस प्रकार से हमारी संकुलन क्षमता यहाँ पर ज्ञात हो गई। अगर हमसे कोई पूछे अच्छा ठीक है आपने संकुलन क्षमता बता दिया, तो रिक्त स्थान कितना होगा, इतना तो परमाणु स्थान घेरेंगे, 74% आपका परमाणु स्थान घेरेंगे। तो कितना स्थान परमाणु नहीं घेरेंगे, तो इसके लिए आप करेंगे जो रिक्त स्थान आएगी, जो आपकी रिक्त स्थान आएगी वह क्या आएगी आपकी 100 माइनस 74%, इसे घटाएंगे कितना आएगा 26% आएगी। तो कहने का ये मतलब निकला कि एफसीसी कि आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका आगे बढ़ते हैं कि एफसीसी पर आपके सवाल कैसे बन सकते हैं और इसके विषय में हम सीखें। तो ठीक है बच्चों, हमने ये पॉइंट देख लिया कि आपकी एफसीसी की संकुलन क्षमता क्या होती है, लेकिन यहाँ पर दो बातें आपको गौर करने की बात है। तो पहली बात क्या है, ए और आर में रिलेशन क्या है, और दूसरी बात क्या है, संकुलन क्षमता कितनी होती है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में चाहे ए और आर से के रिलेशन से क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, संकुलन क्षमता पूछ ले। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है आपके एग्ज़ाम में आने की, तो इसलिए आप ये दोनों बातें अपने दिमाग में बैठा कर रखें। जैसे कि हम बात करें कि एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी निकली थी, एफसीसी की संकुलन क्षमता बराबर कितना निकला आपका 64%, और एफसीसी के लिए एफसीसी में ए तथा आर में जो संबंध निकला वो क्या निकला आपका, ए बराबर टू अंडर रूट टू इंटू आर। तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपका ये पूछ ले और चाहे आपका ये पूछ ले। और अगर थोड़ा सा हार्ड पूछना चाहे तो थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहे तो क्या करेगा, आपसे ये डेरिवेशन करा लेगा, तो डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटीज़ न के बराबर है। अगर आ भी सकता है तो आपके ये सीसी के लिए आएगा, और नहीं तो आपसे इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपका,
इस पर, और ये आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है FCC में परमाणु का योगदान कितना होता है, तो FCC में परमाणु का योगदान 4 होता है, ये आप जानते रहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट और लगाकर लिख दे रहे हैं आपका कि FCC में परमाणुओं का योगदान, FCC में परमाणुओं का योगदान 4 परमाणु होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आपकी BCC क्या होता है और BCC की संकुलन क्षमता कैसे निकलेगी। यहाँ पर हमने हेडिंग लगाया BCC की संकुलन, BCC की संकुलन क्षमता। तो BCC की संकुलन क्षमता हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले BCC क्या है इसे हम जान लें। इसके पीछे लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार हम और देख लेते हैं। तो आपकी जो BCC होती है, BCC वह एकक कोष्ठिका होती है जिसमें परमाणु आपके कहाँ पर हों, कोने पर हों, और कोनों के अलावा आपके परमाणु कहाँ पर हों, अंतः केंद्र में उपस्थित हों। प्रत्येक कोने पर परमाणु आपके उपस्थित हों, और प्रत्येक कोनों के साथ साथ आपके परमाणु कहाँ पर हो, अंतः केंद्र में उपस्थित हो। तो ये आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, BCC कहलाती है। यदि हम बात करें परमाणु के योगदान के बारे में, तो यदि हम बात करें परमाणु के योगदान के बारे में, तो परमाणु कोनों पर हैं, तो कोने पर कितने परमाणु हैं, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एक परमाणु का योगदान क्या होता है, 1/8 होता है, और अंतः केंद्र में पूरा का पूरा परमाणु रहेगा इस एकक कोष्ठिका में, तो एक, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 परमाणु आ गया। कितने परमाणु आ गए भैया आपके, 2 परमाणु आ गए। तो कहने का क्या मतलब निकला, अगर आपकी BCC एकक कोष्ठिका होगी तो उसमें जो परमाणु का योगदान होगा कितना होगा, 2 होगा। अब इसके यदि हम बात करें संकुलन क्षमता की, तो संकुलन क्षमता की यदि हम बात करें, तो संकुलन क्षमता इसे कैसे निकलेगी, संकुलन क्षमता बराबर परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान, परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान या आयतन आप कह सकते हैं, बटे कुल आयतन, बटे कुल आयतन, और गुणे क्या रहेगी आपकी, 100%, क्योंकि आपकी क्या क्षमता है। तो ठीक है, जैसे हमने FCC के लिए किया तो उसी प्रकार से माना एकक कोष्ठिका के, एकक कोष्ठिका के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी है आपकी, a है। तो यदि हम यहाँ पर a और r में रिलेशन देखें, तो a और r में रिलेशन देखने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपका और बना रहे हैं। यहाँ पर हमने एक और एक कोष्ठिका ड्रा किया है, क्योंकि आपको ये चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आए, नहीं तो अक्सर लोग इस
बीसीसी के में डाउट में ही रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने इसे क्या किया, इस प्रकार से डाक के दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सपोज करते एक प्रमाण आपके यहाँ पर उपस्थित है और एक प्रमाण आपके अंतः केंद्र में उपस्थित है और एक प्रमाण कहाँ पर उपस्थित है, इस कोने पर उपस्थित है। तो हमने इस लाइन को इस प्रकार से मिला दिया, इस लाइन को हमने इस प्रकार से क्या किया, मिला दिया। और फिर हमने ये आपकी इस लाइन को हमने यहाँ से मिलाया और इस लाइन को हमने कहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया और ये हमने यहाँ से मिला दिया और आपका क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बना, अगर यहाँ पर हम बात करें आर की, तो ये भी क्या होगी आपकी आर होगी, यहाँ पर क्या निकलेगा आपका टू आर निकलेगा और यहाँ पर क्या आपकी ये आर है और ये भुजा आपकी क्या है, फलक विकर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि जो फलक विकर्ण होता है उसकी लंबाई अंडर रूट टू इंटू ए होता है। अब कैसे होता है, तो हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ देख चुके हैं। तो इसकी जो लंबाई निकल के आई कितनी है आपका, अंडर रूट टू इंटू ए है, तो और ये आपकी लंबाई क्या है, आपकी ए है। तो यदि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आप क्या कहेंगे, 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर या 4r का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू का गुणा दो बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपका ए स्क्वायर, मतलब 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। और यदि यहाँ पर हम बात करें 4r इक्वल टू कितना होगा आपका, अंडर रूट 3 इंटू ए होगा। यदि a और r में रिलेशन चाहिए तो a को हम इसी तरह रन देते हैं तो आपका क्या होगा, 4r बटे अंडर रूट 3 तो आपके जो बी सी सी के लिए निकला तो a बराबर क्या निकला, 4r बटे अंडर रूट 3। यह आपको डेरिवेशन जरूरी नहीं है, आपको केवल जरूरी ये फार्मूला को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है यहाँ से अगर ये क्वेश्चन बनेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आप इस फार्मूला को याद रखिए। बाय द वे यदि आपके यहाँ से क्वेश्चन बना तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यदि हम बात करें इसके संकुलन क्षमता की, तो कितने परमाणु होते हैं बीसीसी में, दो परमाणु होते हैं, तो संकुलन क्षमता जो निकल के आई तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब हो गया आपका बटे कुल आयतन ए क्यूब इंटू 100%, तो आपका क्या निकला। और ए बराबर क्या है, 4r/√3 तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब और यदि यहाँ पर रखेंगे तो 4r/√3 का आपका क्या आ गया, होल क्यूब आ गया इंटू क्या आपका 100% है। तो यहाँ पर देखिए 4 × 2 जो कितना हो गया आपका 8 हो गया बटे 3 और पाई आर क्यूब अपान 4r का यदि 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 64r³ बटे यदि हम √3 × √3 × √3 करें तो क्या आएगा आपका √3 × √3 × √3। तो ये दिनों क्या बना देंगे, 3 बना देंगे तो 3 √3 होगा। तो यहाँ पर यदि हम रखें तो क्या रखेंगे आपका, हम 3 √3 इंटू आपका 100%। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है और आपका 3 से 3 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, r³ से आपका r³ कैंसिल हो सकता है का
8 से ये 8 कैंसिल हो, 64 आपका कैंसिल हुआ, आर क्यूब से आपका आर क्यूब कैंसिल हुआ, तो आपका क्या बचा, तो पाई इंटू ये अंडर रूट 3 ऊपर जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 100% बटे 8, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू रखिए 3.14, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होगा, अंडर रूट 3 की 1.732 इंटू 100/8। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 67.9%, जिसको हम कह सकते हैं आपका 68%। और यदि बात करें हम आपके रिक्त स्थान की, यदि हम बात करें आपके रिक्त स्थान की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100% में से हम 68% क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा कितना आपका 32%। ठीक है बच्चों, इससे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68%, और जो रिक्त स्थान के होता 32% होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आपका नज़दीक ही है, तो आप क्या करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिससे कि उनकी यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आते, कुछ बच्चों के बैक लगते हैं, तो इसलिए हम सब ने मिलकर के उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो आप उन्हें बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपका कहीं पर भी डाउट बसता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।